इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की तरफ जाते हैं और जिनका एडमिशन नहीं होता, और या फिर जितने भी स्टूडेंट्स ने पहले ही क्लियर किया होता है, पहले सोचा होता है पहले से ही कि हम BDS में ही एडमिशन लेंगे, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के अंदर, जिसमें कि DCI डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ये काउंसलिंग बॉडी है दोस्तों आज हम जिस कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं, हालांकि वो जो कोर्स है काफी सेंसिटिव है, सेंसिटिव इसलिए मैं आपको बोल सकता हूं कि हर साल जब बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब लाखों स्टूडेंट्स अपने नीट के एग्जाम देते हैं, नीट में क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद होड़ लग जाती है कि हमें बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज कैसे मिलेगा या बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज में चयन कैसे करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट चूज करते हैं MBBS करने के लिए अब्रॉड भी जाते हैं जिन स्टूडेंट्स का नंबर नहीं आता इंडिया में, या फीस कम भी एक रीजन हो सकता है। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन रहता है स्टूडेंट्स के पास वो ज्यादातर BDS ही रहता है। BDS कोर्स जिसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। दोस्तों डेंटिस्ट का मतलब क्या होता है, आप BDS करते हैं, BDS करने के बाद डॉक्टर कौन से बनते हैं, आप इसको कुछ यूं समझिए कि दांतों का डॉक्टर। आपके दांत में कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हुई, आप जाते हैं डॉक्टर साहब के पास और जो उन दांतों का इलाज करते हैं वही है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट बनने के लिए BDS कोर्स करना होता है, जो कोर्स 5 साल का होता है, जिसके अंदर की 4 साल एकेडमिक होता है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कितने साल का होता है, फीस कितनी होती है, कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, कैसे एडमिशन होता है, नीट का एग्जाम कब होगा और नीट में आप कैसे क्वालिफाई करते हैं, कब आया था और साथ में ही कब से ये डेंटिस्ट काउंसिल बनी है। ऐसे कई सारे सवाल जो आपके दिल में आते हैं एडमिशन लेने के लिए, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए वरना आपके साथ भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या ऐसे किसी कॉलेज में एडमिशन ना ले लें आप कि जहां एडमिशन लेने के बाद आपको पछताना पड़े, इन सभी चीजों के आज आपको जवाब मिलेंगे हमारे इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों हर साल जैसे ही नीट का रिजल्ट आता है, नीट में जितने भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं MBBS में। इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की तरफ जाते हैं और जिनका एडमिशन नहीं होता, और या फिर जितने भी स्टूडेंट्स ने पहले ही क्लियर किया होता है, पहले सोचा होता है पहले से ही कि हम BDS में ही एडमिशन लेंगे, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के अंदर, जिसमें कि DCI डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ये काउंसलिंग बॉडी है दोस्तों। जितने भी कोर्सेज चलते हैं अपने देश में उसके लिए काउंसिल बॉडी होती है, जितने भी प्रोफेशनल कोर्स हैं उस काउंसिल बॉडी से उस कॉलेज को अप्रूवल लेना होता है कि वो कॉलेज उस कोर्स को चलाना चाहता है। अप्रूवल मिलने के बाद ही BDS कोर्स चलाया जा सकता है, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेने के बाद। दोस्तों द डेंटिस्ट एक्ट 1948 में ये आया और तब से ही ये काम सुचारू रूप से अब तक ये करता आ रहा है। दोस्तों BDS जो आप कोर्स करते हैं ये एक बैचलर डिग्री होती है दोस्तों, मास्टर्स डिग्री आप इसको नहीं बोल सकते, बेशक से आप इसमें लगभग 4.5-5 साल का टाइम जरूर देते हैं, पर मैं आपको बता दूं ये बैचलर डिग्री है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो PCB आपके पास होनी चाहिए इंग्लिश के साथ और नीट क्वालिफाई आपका होना चाहिए तो ही एडमिशन होगा, और 50% मार्क्स मिनिमम आपके होने ही चाहिए, उससे पहले आपका एडमिशन हो नहीं पाएगा। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कमेंट करते हैं कि सर BDS में एडमिशन लेना है तो क्या बिना नीट के हो जाएगा या फिर कोई कॉलेज उन्हें ऑफर कर रहा है, आप इन सब बातों में मत आया कीजिए, आपके साथ दोस्तों प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में ही प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है काउंसलिंग का, काउंसलिंग के थ्रू ही आपका एडमिशन होगा, डायरेक्ट आपका एडमिशन नहीं हो सकता, काउंसलिंग के थ्रू आप जाएंगे तभी आपका एडमिशन हो पाएगा और काउंसलिंग का पूरा एक प्रोसेस होता है। काउंसलिंग के प्रोसेस में पहले हमने एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। साथ में ही हम अगर बात करें कॉलेजेस की तो कॉलेजेस में जो फीस हो सकती है दोस्तों वो फीस 6 लाख से लेकर 13 लाख के बीच में हो सकती है, मैं पर ईयर की बात कर रहा हूं दोस्तों। ये फीस कैसे आप मान सकते हैं कितनी फीस होगी, जैसे जैसे लास्ट टाइम आता है और जब कॉलेजेस की सीट्स नहीं भरी होती हैं तब ये लोग अपनी बहुत कम फीस में भी एडमिशन ले लेते हैं, पर डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में जा रहे हैं, कॉलेज में क्या क्या गलतियां आप ना करें, एडमिशन लेने से पहले आप किन किन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखें उसके बारे में वीडियो बनाई है, वीडियो के एंड में वो वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, उस वीडियो को दोस्तों आप जरूर देख लेना। ड्यूरेशन की हम बात करें 5 साल का ड्यूरेशन होता है, 4 साल एकेडमिक ईयर होते हैं और 1 साल का इसमें इंटर्नशिप होता है, ये टोटल ड्यूरेशन होता है BDS करने के लिए। दोस्तों हालांकि आपको BDS के अच्छे काफी सारे प्राइवेट कॉलेजेस आपको आसानी से मिल जाएंगे, यूपी में
कई कॉलेज हैं, राजस्थान में है, पंजाब में है, उड़ीसा में लोग जाते हैं, साथ में हमने देखा है कि महाराष्ट्र में भी, राजस्थान में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। किसी भी तरह की कोई भी असिस्टेंस आप चाहते हैं एडमिशन को लेकर, आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी उसमें मदद जरूर करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। अब दोस्तों, सवाल यह आता है कि अच्छे किसी भी BDS कॉलेज का चयन आप कैसे करेंगे। दोस्तों, किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन लेने से पहले आपको देखना होगा कि उस कॉलेज में जो प्रीवियस स्टूडेंट्स थे उनको कैसा एक्सपोजर मिला, या फिर कितने अच्छे से उन्होंने OPD को देखा, या फिर किस तरह से उनको पढ़ाया गया। ये चीजें आपको जरूर देखनी चाहिए एडमिशन लेने से पहले। आपको कॉलेज विजिट जरूर करना चाहिए, कॉलेज आप विजिट करें, पुराने स्टूडेंट से जाके आप जरूर मिलें, फैकल्टी मेंबर से आप जाके मिलें, तभी एडमिशन ले। बिना कॉलेज को विजिट करे आप एडमिशन बिल्कुल ना लें। अब दोस्तों, हर साल जैसे ही एडमिशंस का टाइम आता है, जैसे ही आपकी काउंसलिंग्स होनी शुरू होती हैं, उस वक्त बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट, बड़े बड़े होर्डिंग्स, साथ में ही बहुत अच्छे तरीके से एडवर्टीजमेंट्स करते हैं ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज आपका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए। पर आपको ऐसे ही एडमिशन लेना नहीं चाहिए, आपको देखना चाहिए उनकी प्लेसमेंट्स भी कैसी है। कई सारी चीजें आपको देखनी चाहिए जब आप एडमिशन लेते हैं, ऐसे ही आप एडमिशन बिल्कुल ना लें। BDS की दोस्तों फीस के बारे में जो मैंने आपको बताया, 6 लाख से लेकर 13 लाख तक की फीस ये हो सकती है, डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। कई सारे कॉलेज तो ऐसे हैं जिनके पास कोई इक्विपमेंट्स ही नहीं, साथ में OPD नहीं, अच्छी तरह से वो हॉस्पिटल तक उनका नहीं चलता, वो लोग सस्ते में आपका एडमिशन ले भी लेंगे। बट जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो फीस आराम से आपसे 8 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है दोस्तों कॉलेज टू कॉलेज। आप जब भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, मैंने जैसा आपको बताया, पुराने जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी पास करने वाले हैं BDS, किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप उनसे मिलें, जरूर जरूर मिलें, बात करें उनसे कि फैकल्टी मेंबर्स कैसा पढ़ा रहे हैं, या फिर क्या आपको सही से एक्सपोजर मिल पा रहा है। क्योंकि दोस्तों, ये प्रैक्टिकल चीज है, प्रैक्टिकल करने के बाद ही ये चीजें आपको समझ आएगी। सिर्फ किताबी पढ़ने से आपको नॉलेज आने वाली नहीं, अच्छे डॉक्टर आप बन नहीं पाओगे दोस्तों। डिग्री तो आपको मिल जाएगी, पर मेरा मानना है जो एक लेवल होना चाहिए अच्छे डॉक्टर का, आप उस मुकाम को पा नहीं पाओगे। बहुत सारे ऑप्शंस हालांकि आपके पास होते हैं जैसे आप BDS कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कि आप हॉस्पिटल्स में आप जाके जॉब कर सकते हैं, डेंटल क्लिनिक अपना आप खुद का खोल सकते हैं, आपकी खुद की आप प्रैक्टिस आप कर सकते हैं डेंटल क्लिनिक में, साथ में आप प्राइवेट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी प्रैक्टिस करना चाहें प्राइवेटली, आप मान लीजिए कोई भी हॉस्पिटल आपके किसी रिश्तेदार का जानकार है, वहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस आप कर लें, अपने खुद का आप क्लिनिक खोल लें, या फिर किसी अच्छे क्लिनिक में, नर्सिंग होम में जाकर आप वहाँ पे जाके जॉब कर लें, अच्छी खासी जॉब आपको मिल जाएगी, ये भी अच्छा ऑप्शन है। साथ में दोस्तों, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं आप उनको जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी। साथ में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं बहुत सारे जहां आपको पढ़ाने का मौका मिल सकता है, आप वहां जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो होती हैं वो भी काफी डेंटिस्ट को हायर करती हैं अपने पास, अच्छी खासी सैलरी देती हैं। डेंटल इक्विपमेंट्स जो होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जिनकी होती है, वहां भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में दोस्तों, आपको ऐसे कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे जहां इजीली आप ज्वाइन कर पाएंगे। बस डिपेंड करता है कि आपको आता कितना है, क्योंकि आपने डिग्री ले ली, आता आपको कुछ नहीं तो वहां बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने देखे हैं जो बाहर से MBBS करके आए हैं, वो अभी एक छोटे मोटे कोई भी नर्सिंग होम में या कहीं भी हॉस्पिटल में जॉब तो कर रहे हैं, मतलब वो डॉक्टर तो हैं, बट सही से वो इवन मेडिसिंस भी प्रिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं, तो बाकी ट्रीटमेंट्स करना तो दोस्तों बहुत दूर की बात हो जाती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको आज बताया BDS कोर्स के बारे में, आपको संपूर्ण जानकारी आपको मिली होगी, सब कुछ आपने जाना होगा। फिर भी कोई भी किसी भी तरह के डाउट्स अगर आपके दिल में है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं एडमिशन को लेकर, या कोई भी हमारी सपोर्ट चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके अपने सवाल पूछें, या फिर हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार तक पहुंचाएं इस वीडियो को, ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सकें। दोस्तों, मैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।